अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित सेंट्रल पार्क में मौजूद लोग उस वक्त चौंक गए जब उन्होंने वहां पर एक रहस्यमय तरीके से रखा सोने का क्यूब देखा। सोने के क्यूब की अनुमानित कीमत $11.7 मिलियन यानी 87 करोड़ रुपए आकी गई। एक सिक्योरिटी टीम भी इस गोल्ड क्यूब की सुरक्षा में तैनात थी। अचानक से पार्क में इतनी कीमती चीज कहां से आई? हर किसी के जहन में बस यही सवाल था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सोने के क्यूब को 43 वर्षीय जर्मन आर्टिस्ट निकलास कास्टेलो द्वारा बनाया गया, जिन्होंने इसका नाम कास्टेलो क्यूब दिया। निकलास ने इस सोने के क्यूब को बेचने के लिए नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी कास्टेलो कॉइन लॉन्च और प्रचार के लिए सार्वजनिक तौर पर पार्क में रखा था। गौरतलब है कि वर्तमान में सोने की कीमत $1,788 यानी 1,33,000 रुपए प्रति औंस है। ऐसे में अगर इस सोने के क्यूब को बिक्री के लिए रखा जाए तो ये $11.7 मिलियन यानी 87 करोड़ रुपए से अधिक में बिक सकता है। बताया जा रहा है कि 24 कैरेट सोने से बने इस क्यूब का वजन 186 किलो है। इसे कथित तौर पर एक विशेष हस्त निर्मित भट्टी का उपयोग करके बनाया गया।